और आपको बताएं, इस वक्त सीएम शपथ ग्रहण और कार्यभार संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बतौर मुख्यमंत्री अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले जबरदस्त समर्थन के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करेगी। योगी ने बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादों को भी पूरा करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वो सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर काम करेंगे। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा प्राप्त हो, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी। तो ये आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने अब से कुछ देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह का भरोसा दिलाया है राज्य की जनता को। उन्होंने सबका आभार जताया समर्थन के लिए और इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया, उनकी फिलॉसफी एकात्म मानववाद को याद किया और लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 जो जिसे आप घोषणा पत्र कह सकते हैं बीजेपी का, उस पर उन्होंने कहा कि सारे वादे पूरे करेगी सरकार, सबका साथ सबका विकास होगा और लोक कल्याण के काम करेंगे बगैर किसी भेदभाव के। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार विहीन होगी, औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा, निवेश का माहौल बनाया जाएगा, दलित गरीब पिछड़े इनके उत्थान के लिए काम करेंगे, साथ ही कृषि प्रदेश के तौर पर विकास करेंगे और प्रदेश के विकास का आधार कृषि बने, इस दिशा में काम होगा। यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। और सभी मंत्रियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक हुई है जिसमें सरकार और संगठन के बीच तालमेल, इनके बीच समन्वय की बातों पर जोर दिया गया। नए विधायक बने हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण कह लीजिए, उसके लिए एक सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में एक कमिटी बन उनको कहा है बनाने को, उसका प्रारूप तैयार करने को, जिसमें प्रयास है कि सभी लोग वहां पे आएंगे और उनकी ट्रेनिंग होगी और उसके अंदर केंद्र के भी कुछ बड़े नेता आ सकते हैं और उनसे भी वहां पर ट्रेनिंग के लिए वो हम लोग को अपना क्लासेस देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ने अपने दृष्टि पत्र में कही है, उन सभी बातों पर, उन सभी बातों को लेकर दृष्टि पत्र को आगे रखकर ही हमारी सरकार आगे चलने वाली है। मैं एक और आपको टिप्पणी करना चाहता हूं, ये जो परिचय की बैठक थी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने
सभी मंत्री परिषद के सदस्यों को ये भी आग्रह किया है कि ये जो मैंडेट हमको मिला है ये विकास के लिए मिला है, बिजली पानी सड़क और सूबे में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो पूरी तरह से चरमरा गया है, तो लोगों ने जो किसान की जिस तरह से बदहाली है, नहर नालों में पानी नहीं है, तो हमें ये मैंडेट विकास के लिए मिला है, सुरक्षा के लिए मिला है। तो मुख्यमंत्री की पीसी के बाद श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया था, उन्हें बताया था कि आगे भी जब भी कोई अहम निर्णय लिया जाएगा सरकार में क्या कुछ चल रहा है ये दोनों मंत्री आप तक ये बात पहुंचाते रहेंगे।